नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत 20 सितंबर 2017 की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस, जो कि आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम जैसे SSC, MTS, रेलवे, बैंक, MPPSC, MPSI, पटवारी, तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिए। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लिखे रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में बगल में दिए बेल आइकॉन को जरूर ऑन कर लीजिए। दोस्तों, सब्सक्राइब करने से फ़ायदा यह होगा कि मैं अपने चैनल पर एग्जाम से रिलेटेड ऐसे ही 1 से 2 वीडियो डेली अपलोड करता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। तो पहला प्रश्न जो है दोस्तों, बिहार के भागलपुर में किस परियोजना के तहत बनाया जा रहा बांध उद्घाटन से पहले ही बह गया? वह बांध है बटेश्वर गंगा पंप नहर परियोजना। किसने 18 सितंबर 2017 को सशस्त्र सीमा बल की नई खुफिया व्यवस्था का संचालन शुरू किया है? तो इसका उत्तर होगा राजनाथ सिंह। जिस पोर्ट ट्रस्ट ने लगातार 11वीं बार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीता है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट ने लगातार 11वीं बार राजभाषा कीर्ति पुरस्कार जीत लिया है। भारत ने एशिया मार्शल आर्ट खेलों में कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने 4 पदक टोटल जीते हैं एशिया मार्शल आर्ट खेलों में। ठीक है, नेक्स्ट है, परिवार कल्याण समिति गठित करने वाला देश का पहला राज्य? तो देश का पहला राज्य परिवार कल्याण समिति गठित करने वाला देश का पहला राज्य है त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। अगला है, जिस राज्य सरकार ने जल रक्षकों को 2500 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने का निर्णय किया है? तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश। किस प्रदेश सरकार ने भूमि रिकॉर्ड को आधार के साथ जोड़ने की घोषणा की? तो भूमि रिकॉर्ड को आधार के साथ जिस राज्य सरकार ने घोषणा की वह है यूपी, उत्तर प्रदेश। किस देश की सरकार ने पूर्वोत्तर भारत में कौशल विकास केंद्र के निर्माण की घोषणा की है? तो सिंगापुर ने पूर्वोत्तर भारत में कौशल विकास केंद्र के निर्माण की घोषणा की है, सिंगापुर सरकार। जापान ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो जापान ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट जो आयोजित किया जा रहा है वो टोक्यो में, जापान टोक्यो। अगला है, किस भारतवंशी को ट्विटर ने अपने उत्पाद हेतु वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किया? तो श्री राम कृष्णन को ट्विटर ने अपने उत्पाद हेतु वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किया। किसको? श्री राम कृष्णन को। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री ने पहली पेंशन अदालत का उद्घाटन किया है, उसका नाम? तो राज्य मंत्री जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार हैं ये। तो पहली पेंशन अदालत का उद्घाटन किया है तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये उद्घाटन किया है। अमेरिका का वह स्थान जहाँ 7.1 तीव्रता के भूकंप से 150 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई? तो वह स्थान मैक्सिको है, जहाँ पे बहुत भारी भूकंप आया अभी। उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू ने हाल ही में इनकी जन्म शताब्दी के अवसर पर स्मारक सिक्के जारी किए। तो डॉक्टर MS सुब्बुलक्ष्मी की जन्म शती के अवसर उपराष्ट्रपति M.वेंकैया नायडू ने स्मारक सिक्के जारी किए हैं। और अगला है, भारत में किस क्षेत्र में जीरो हंगर प्रोग्राम आरंभ किया जाएगा? तो भारत के गोरखपुर में जीरो हंगर प्रोग्राम प्रारंभ किया जाएगा। और अगला है, इन्हें हाल ही में SSB का प्रमुख नियुक्त किया गया, रजनीकांत मिश्रा को SSB का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। करंट अफेयर्स के लिए मैं ऐसी डेली वीडियोस करंट अफेयर्स की डे बाई डे अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए, और ऑल द बेस्ट आपको। और दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी लाता हूँ अपने चैनल पर डेली वीडियोज़, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।